अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बदलना चाहते हैं, कुछ महत्वपूर्ण करना चाहते हैं और कुछ सकारात्मक दिशा निर्देश चाहते हैं, तो सुबह जल्दी उठना आपकी रूटीन में शामिल होना ही चाहिए। सुबह जल्दी उठ के आप क्या करना है, सबसे पहले सुबह उठते ही बिफोर योर फीट टचेस ग्राउंड, इससे पहले कि आप ज़मीन पर अपने पैर रखें, भगवान का शुक्रिया करें। भगवान का शुक्रिया करें कि उसने आपको एक नए दिन से नवाजा। कितने लोग हैं जो रात को सोए थे और सुबह उठे ही नहीं, पर आप उनमें से हैं जो उठ गए, जिनके आसपास उनकी फैमिली उठ गई। ऐसे लोग हैं जिनके घर में सुख है, जिनके घर में शांति है। जब आप सुबह उठते हैं तो उस कमरे के लिए धन्यवाद कीजिए जिसमें आप सोए, उस बेड के लिए धन्यवाद कीजिए जिस पर आप सोए। क्या आपके घर में अटैच बाथरूम है, उसके लिए भी धन्यवाद कर सकते हैं। इसके लिए धन्यवाद कीजिए कि आपके पैर ज़मीन पर पड़ते ही आप कैसा महसूस करते हैं, कितनी अच्छी होती है वो अनुभूति कि हम सुबह एकदम ठीक हालत में उठे हैं। हो सकता था कि रात को कोई परेशानी आ जाती, भगवान ने आने नहीं दी। तो सबसे पहले शुक्रिया से अपने दिन की शुरुआत करें। जब आप शुक्रिया से अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। सेकंड चीज़, जब आप उठ चुके हैं उसके बाद कुछ फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी प्राणायाम, योगाभ्यास, कुछ ऐसा ज़रूर करें जिससे आपको चुस्ती फुर्ती महसूस हो। अब उसके बाद आपने मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन यानी ध्यान। ध्यान यानी क्या? ध्यान अपने आप से जुड़ने की एक प्रक्रिया है। इसके बारे में भी मैं आपसे जल्द ही बात करूँगी। ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान होता है जब हम अपने आप पे ध्यान देते हैं, जब हम खुद से जुड़ने की कोशिश करते हैं, जब हम ऐसा कुछ करते हैं जिससे हम मन की बात किसी बड़ी शक्ति के आगे रख सकें और उससे जवाब की उम्मीद भी रखें। भगवान सिर्फ कहने या सुनने की चीज़ नहीं है, महसूस करने की चीज़ है। वो आपकी हर बात का जवाब देते हैं। तो मॉर्निंग रूटीन के बारे में मैंने आपसे आज 3 टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट शेयर किए। सबसे पहली चीज़, कोशिश करें कि जितनी सुबह जल्दी उठ सकें अच्छा है। सनराइज़ यानी कि सूर्य का उगना, अगर आप वो देख सकें, सूर्य उदय, तो आप अपने आप को बहुत ही खुशनुमा महसूस करेंगे। सूर्य उदय को देखना अपने आप में ही ज़िंदगी को निहारने के बराबर है। सुबह सुबह जब आप उठते हैं और आसपास नेचर में देखते हैं तो सब कुछ बहुत शांत होता है। प्यारी सी चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ होती है, सुंदर सा सब कुछ आपको नज़र आएगा। रात की ओस की बूंदें जब आप पत्तों पे देखते हैं और जब आप नंगे पांव घास पर चलते हैं, वो तो एक अलग ही अनुभव होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए अपनी मॉर्निंग रूटीन को कभी ना भूलें। अपने बच्चों को और अपने बड़ों को भी इस मॉर्निंग रूटीन की आदत डालें जिसमें आपने 4-5 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। सुबह समय पर उठना, धन्यवाद देना, मेडिटेट यानी ध्यान करना और कुछ छोटी मोटी लाइट एक्सरसाइज करना। इसके अलावा एक और चीज़ जो लास्ट है पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है कि आपने अपने दिन को प्लान करना है। आपने 4-5 चीज़ें लिखनी हैं जो आपने उस दिन में करनी है शाम तक। अगर आप लिखेंगे तो आपकी एक रूटीन बन जाएगी और आप भूलेंगे नहीं। उन चीज़ों में कुछ भी हो सकता है, जैसे आज मैंने अपनी सेहत का ध्यान रखना है और 2 बार जूस पीना है। कुछ ऐसा भी कि आज मैंने अपने बच्चों की सेहत का ध्यान रखना है और अगर किसी के साथ उनको मिलवाना है पढ़ाई से संबंधित या कोई नई एक्टिविटी सीखने से संबंधित, तो वो भी आप कर सकते हैं। आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं सुबह में जो आप उस दिन में महसूस करना चाहते हैं। अगर आप उस दिन की प्लानिंग एडवांस में करेंगे तो वो दिन आपका अच्छा जाएगा। होप करती हूँ, उम्मीद रखती हूँ कि इन सारी टिप्स से आपका मॉर्निंग रूटीन बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा और आप जो चाहते हैं वो पा सकेंगे। तब तक के लिए, जब तक मैं आपसे अगली बार मिलती हूँ, अगर आपका सुबह की रूटीन को लेके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि अगली वीडियो में आपसे उसके बारे में बात करूँ। तब तक के लिए, जब तक हम अगली बार मिलते हैं, दिस इज़ लाइफ कोच इश्नी शर्मा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।